हाय गाइस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से एक सवाल पूछ रहे थे। एक्चुअली सवाल क्या पूछ रहे थे, उन्होंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट भेजे थे एक न्यूज के बारे में, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि जो काउ डंग है, क्या उसका इस्तेमाल करने से कोविड के जो पेशेंट्स हैं क्या वो सही हो जाएंगे, या फिर क्या उनका इस्तेमाल करने से इंसान के अंदर जो इम्यूनिटी है क्या वो बूस्टअप हो सकती है। तो आपको बता दें इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, गुजरात के अंदर क्या हुआ है, गुजरात के अंदर कुछ ऐसे मिथ देखने को मिले हैं, कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले जहां पे ये र्यूमर्स चल रहे हैं कि अगर आप काउ डंग का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि जो रूरल एरियाज वगैरह होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहां पे क्या होता है, काउ डंग का यूज किया जाता है। वो लोग अपने घर का जो पूरा आंगन वगैरह होता है उसमें उसका लेप लगाते हैं, ताकि कोई भी एंटी बैक्टीरियल चीज की तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह वहां पर नाउ राइट ऐसा किया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मिथ एक डेवलप हो गया है कि इससे इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो साइंटिस्ट ने ये चीज कह दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इस गलत फहमी में ना आइए। बल्कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि अगर किसी भी एनिमल के अंदर, यानी कि अगर आप मान लो कि गाय में ही अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लो कोई उसको वायरस इन्फेक्ट किया या कुछ भी है, तो एक जूनोटिक डिजीज भी आपको हो सकती है। जूनोटिक का मतलब होता है कि जब भी कोई डिजीज किसी एनिमल से किसी ह्यूमन में ट्रांसफर होती है तो उसे हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने बोला है कि ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप नहीं करता है। तो अगर आप किसी भी जगह पर ऐसी कोई न्यूज पढ़ें तो समझ जाइएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक मिथ क्रिएट हो गया है गुजरात के अंदर। आई होप कि ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। आपने ये वाली न्यूज कहां कहां पढ़ी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।